हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों, आई होप आप सभी ने तैयारी शुरू कर दी होगी आपके एग्जाम की। मैं आपसे दोबारा कहती हूँ, इन एग्जाम को आप सीरियसली लेना। कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, कोई एग्जाम में एबसेंट नहीं रहेगा, सारे एग्जाम आपको देने हैं। ओके, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, चलो। हमने चैप्टर 4 तक रिविजन कर लिया था, इसमें आगे चैप्टर 5, दैट इज मैं और मेरा स्कूल। ठीक है, ये एक स्टोरी थी। स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक काजल नाम की लड़की थी और वह कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? यस, आपकी कक्षा में, पहली कक्षा में पढ़ती थी। सुबह उठकर क्या करना उसकी आदत थी? सैर करना उसकी आदत थी। सैर से वापस आकर वह नहाती थी और स्कूल के लिए तैयार होती है। उसकी मम्मी उसके खाने का टिफिन तैयार करती है। ठीक है, वो रात में ही अपना क्या तैयार कर लेती है? बैग। और उसके स्कूल की वैन ठीक समय पर उसके घर के पास ही पहुंच जाती है। उसे वैन में कौन कौन मिलता है? मीरा और मिन्नी। तो वही मैं आपको बताती हूँ एक बार कि हमें चैप्टर को रीड करना है अच्छे से। स्टोरी के बीच में से क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है बच्चों, स्टोरी में से। ओके, इस चीज को मैंने आपको बार बार बताया है, इसलिए मैं आपको चैप्टर एक बार रिवाइज करा रही हूँ। स्कूल पहुंचकर सभी बच्चे क्या करते हैं? प्रार्थना। और स्कूल में हम कई विषय पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। सभी अध्यापक हमें प्यार से पढ़ाते हैं। कुछ समय बाद हमारी आधी छुट्टी होती है। हम सब मिलकर क्या करते हैं आधी छुट्टी में? खाना खाते हैं, खेल खेलते हैं, मनोरंजन कक्ष में जाते हैं। ठीक है, और दोपहर बाद हमारी क्या होती है बच्चों? पूरी छुट्टी। पूरी छुट्टी कब होती है? दोपहर बाद। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी शब्द अर्थ है वो आपको लर्न करनी है। आपने कॉपी में भी नोट डाउन किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। वही जो हमने चैप्टर पढ़ाया है उसी में से सारे क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन आंसर को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक, इसके बाद चैप्टर से रिलेटेड ही इसके खाली स्थान है। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो भी आपको रीड करने हैं। आपकी बुक में भी सारे फिल हैं। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऑप्शन वाले दिए हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। 50 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम लिमिट बता दी जाएगी, कितना टाइम है उसमें आपको अच्छे से पढ़कर क्वेश्चन को, उनके ऑप्शन पढ़कर जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए, ये देखो सही शब्द के सामने निशान लगाओ। जैसे मैंने आपको कहा है ना कि शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध शब्द बनाओ, ये वही है ना। तो जो करेक्ट वर्ड है उसके आगे हमें टिक लगाना है, तो ये भी हमें अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6, दैट इज कविता। कविता है ये, किसकी कविता है? पेड़ की। अगर पेड़ भी कुछ कह पाते, हंस हंस कर हमसे बतियाते, ताजे फल देते गुणवान, उनका हरदम रखो ध्यान, जब कोई खतरा पास में आए, झट इनके ऊपर चढ़ जाएं, अगर धूप करे परेशान, इनके नीचे करे आराम, जहां कहीं भी वर्षा आए, उनके नीचे हम छिप जाएं, ठंडी हवा भी यही चलाते, इनसे ही सब जीवन पाते, पेड़ कटे भारी नुकसान, शायद हमको नहीं अनुमान, आओ सबको हम समझाएं, पेड़ बचाएं, पेड़ बचाएं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों को हमेशा बचाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कभी भी पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से ही हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। ठीक है, देखो इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर बच्चों आपको शब्द अर्थ दिए है, ये आपको लर्न करने हैं। के बाद ये क्वेश्चन आंसर है, या ये पंक्तियां पूरी करिए। अगर हमने कविता अच्छे से याद है तो ये पंक्तियां भी हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है कि पेड़ के अलग अलग अंगों को पहचानिए व उनके नाम लिखिए। हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन बन जाए कि पेड़ों से हमें क्या मिलता है इनमें से, या क्या नहीं मिलता है। तो आपको सब पता होना चाहिए ना पेड़ों के बारे में। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, पार्ट 7। ठीक है, जितना है बहुत है, स्टोरी का नाम है जितना है बहुत है। इस स्टोरी में किसकी स्टोरी है? ये
एक मछुआरा की, है ना। समुद्र के निकट कौन रहता था? एक मछुआरा। वह मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था, है ना। वह डेली मछलियां पकड़ने आता था। एक दिन वह शाम तक बैठा रहा और उसका जाल नहीं हिला, क्योंकि जाल हिलने का मतलब है कि उसमें मछली फंस गई, लेकिन एक दिन शाम तक उसका जाल ही नहीं हिला, तो उसे क्या लगा कि आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसकी नजर जाल में फंसी एक मछली पर पड़ी। यह तो बहुत छोटी सी मछली थी। मछुआरे ने लंबी सांस भरी। उसने सोचा कुछ ना मिलने से तो अच्छा है, थोड़ा मिलना ही अच्छा है। मतलब वो डेली बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के ले जाता था, लेकिन उस दिन शाम तक उसको एक भी मछली नहीं मिली और शाम को से एक छोटी सी मछली उसके जाल में फंस गई। तो वो मछली उससे कहने लगी, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं पानी में जाकर तुम्हारी मदद करूंगी और बड़ी मछलियों को तुम्हारे जाल में फंसा दूंगी, है ना। लेकिन मछुआरा बिल्कुल भी लालची व्यक्ति नहीं था। वह उसकी बातों में नहीं आया। उसने मछली से कहा कि कोई बात नहीं, आज मेरे भाग्य में जो थी वह मुझे मिल गई, मुझे ज्यादा की चाह नहीं है, है ना। अगर वो सोचता, वो लालची होता कि अगर इसे छोड़ दूं फिर मुझे बड़ी मछली ये ला देगी, तो उसके चक्कर में क्या होता, वो भी चली जाती। लेकिन वो बिल्कुल भी लालची नहीं था। उसने सोचा जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टोरी हम पढ़ लेंगे, इसके बाद इस स्टोरी से रिलेटेड ये शब्दार्थ आप एक बार रिवाइज करेंगे बच्चों, अपनी कॉपी में से भी या बुक में से रिवाइज कर लेंगे। देखो इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं, ये भी हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जो हमने चैप्टर रीड कराए, देखो उसी में से सारे आंसर निकलते हैं। हमको स्टोरी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आप रीड कर लेना। देखो यहाँ पर ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं, सेम ऐसे ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनकर ही आएंगे आपके सारे, हर चैप्टर से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड सारे हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आएंगे। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या पूछा है, जल्दबाजी ने नहीं करना, ठीक है। तो केयरफुली आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है। आपका 7 चैप्टर तक रिवीजन हो गया है, आगे का चैप्टर के रिवीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ बच्चों, तब तक आप इसकी तैयारी करिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।